हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन, और ये जो टॉपिक है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 9 का एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज का जो टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरैक्शन, ये टॉपिक क्या कहता है? सबसे पहले हम जाने कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो ऐसी कम्युनिटीज जो एक सेम एरिया के अंदर रहती है उन्हें हम वहां की पॉपुलेशन कहते हैं, और आपस में उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होती है सर्वाइवल के लिए उसे हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब बहुत सारी स्पीसीज के ग्रुप एक सेम एरिया के अंदर रहते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, चाहे अपनी इंटरेक्शन से, चाहे अपने बिहेवियर से, किसी भी तरीके से वो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करने के जो फिनोमिना है उसे ही हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट जो है उसमें दोनों ही फैक्टर्स पाए जाते हैं, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। अगर हम बात करें जैसे कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, CO2 है, वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ऑस्मोटिक बैलेंस, और इसके अलावा कुछ फिजिकल एस्पेक्ट जो हैं वो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए बहुत ही जरूरी होती है, उनकी सर्वाइवल के लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नेसेसरी होती हैं। ठीक है, अब ये जो अबायोटिक फैक्टर हैं इकोसिस्टम के, वो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं आपस में वो भी एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। ये इंटरेक्शन जो हैं, बहुत सारी इंटरेक्शंस होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेन 5 इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। प्रेडेशन जिसे परभक्षण कहते हैं, कंपटीशन जिसे स्पर्धा कहते हैं, पैरासिटिज्म जिसे परजीविता कहते हैं, कॉमनलिज्म जिसे सहभोजिता कहते हैं, और म्यूचुअलिज्म जिसे सह परोपकारिता कहते हैं। तो ये जो 5 मेन इंटरेक्शन हैं उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो इंटरेक्शन हैं इसमें किस किस का, जो पॉपुलेशन है उनका कितना बेनिफिट होता है। देखिए, मानिए कि 2 स्पीसीज हैं ए और स्पीसीज बी। इन दोनों स्पीसीज की अगर हम बात करें, इन दोनों का अगर एग्जांपल लेते हैं तो कौन सी इंटरेक्शन में क्या होता है ये देख लेते हैं। पहली जो इंटरेक्शन है वो है म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म जो है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सह परोपकारिता, इसके अंदर दोनों ही जो स्पीसीज है उसका बेनिफिट होता है, चाहे वो स्पीसीज ए हो या स्पीसीज बी हो। यानी कि जो भी दो स्पीसीज म्यूचुअलिज्म में रह रही है उन दोनों का ही यहाँ पर बेनिफिट होता है। दूसरी जो यहाँ पर हमने लिखी है वो है कंपटीशन, जिसे कि हम कहते हैं स्पर्धा। स्पर्धा जब होती है, कंपटीशन जब होता है, तो दोनों में से किसी भी स्पीसीज का बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो दोनों ही एक ही चीज़ के लिए लड़ रही होती हैं। उसके बाद है प्रिडेशन। तो प्रिडेशन जो है ये जब होता है तो इसमें 2 चीज़ होती है, एक तो होता है प्रे और एक होता है प्रिडेटर, यानी कि एक होता है शिकार और एक होता है शिकारी। तो इसमें जो शिकार होता है उसका नुकसान होता है और जो शिकारी होता है उसका फ़ायदा होता है, यानी कि एक का फ़ायदा होता है, एक का नुकसान होता है। इसके बाद है पैरासिटिज्म। अगेन ये भी प्रिडेशन की तरह ही होती है। पैरासिटिज्म जो है इसमें जो पैरासाइट होते हैं उनका बेनिफिट होता है, लेकिन ये जिनके ऊपर पैरासाइट होते हैं यानी इनके जो होस्ट प्लांट होते हैं उसका इसमें नुकसान होता है। उसके बाद है कॉमनलिज्म यानी कि सहभोजिता जो है, इसमें एक स्पीसीज का फायदा होता है लेकिन जो दूसरी है जिससे कि उससे इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो फायदा होता है ना ही इसका नुकसान होता है। लास्ट में है एमनेजिल्म, जिसे हम कहते हैं असहभोजिता, इसमें एक को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दूसरे का नुकसान होता है। तो एक सिंपल सी टेबल है पॉपुलेशन इंटरेक्शन की, जो ये दर्शा रही है कि आपस में जो इंटरेक्शन हो रही है 2 स्पीसीज के बीच उसमें किस स्पीसीज का फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली हम देख रहे हैं प्रेडेशन यानी कि परभक्षण। हम सभी जानते हैं कि ये एक इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, जहां पर एनिमल तो कहलाता है प्रेडेटर और ये
किसको किल करता है? प्रे को किल करता है, अपने कंजप्शन के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने ईट के लिए। और ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है जो कि ऑर्गेनिज्म के नंबर को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कभी कभी फंजाई जो है वो भी इस टाइप की इंटरेक्शन शो करती है और एज ए प्रिडेटर वर्क करती है और निमेटोड को किल कर देती है, उन्हें मार देती है। बहुत सारी फंजाई हैं जैसे कि डिक्टीलेला, डेक्टीलेरिया, जूफेगस, ये सारी की सारी फंजाई जो हैं वो इंसेक्ट, निमेटोड्स और अन्य वॉर्म्स जो हैं उनका प्रिडेशन करती है, उनके ऊपर प्रिडेटर होती है, यानी कि उनको अपने फूड के लिए कंज्यूम करती है। ये फंजाई जो हैं इनके अंदर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं प्रिडेशन के लिए, जिन्हें क्या कहते हैं, माइसीलिया कहते हैं। ये माइसीलिया ही निमेटोड के अंदर एंटर करके, पेनिट्रेट करके अपने उसका जो न्यूट्रिशन है वो फंजाई तक पहुंचाते हैं और धीरे धीरे निमेटोड जो है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कार्निवेरस प्लांट जो हैं, मांसाहारी पादप, कीटाहारी पादप जिनको कहते हैं, ये जो पादप है इनके अंदर भी सेम ही चीज देखने को मिलती है। यहाँ पर ये प्लांट जो हैं, कार्निवेरस प्लांट जो हैं, यहाँ पर ये प्रिडेटर का काम करते हैं, जैसे कि नेपेंथिस, डार्लिंगटोनिया, सेरेकेनिया, ड्रोसेरा, आर्टिकुलेरिया, डायोनिया, इनको हम इंसेक्टिवेरस प्लांट भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट और अदर जो छोटे स्मॉल एनिमल्स हैं उनको फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं। और ज़्यादातर ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर ग्रो होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन कम होती है, तो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये इंसेक्ट का भक्षण करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, इन्हें जो है हम इंसेक्टिवेरस प्लांट भी कहते हैं। इनकी जो लीव्स हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती हैं, इनके जो फोलियर अपेंडेज हैं उनके अंदर प्रोटीलाइटिक एंजाइम बनते हैं। कौन कौन से प्रोटीलाइटिक एंजाइम? ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन को ब्रेक करने का काम करता है अमीनो एसिड में, जो कि पिचर प्लांट में पाया जाता है। तो ये जो इंसेक्ट्स की जो बॉडी है उनमें जो प्रोटीन है उसको पचाने का काम करता है और इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डायोनिया जो है इसके अंदर पेप्सिन और एचसीएल पाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ प्लांट में हाईली पॉइजनस केमिकल्स बनते हैं जैसे कार्डियक ग्लूकोसाइड्स, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिक्नीन, ओपियम, ये सारे के सारे जो हैं केमिकल्स जो यहाँ पर बन रहे हैं, प्लांट्स इन्हें अपने डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में यूज़ करता है ताकि जो दूसरे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनसे उनको नुकसान ना हो। ये कुछ इंसेक्टिवेरस प्लांट्स हैं, इनके मॉडिफिकेशन यहाँ देखने को मिलते हैं। ये देखिए इस तरीके के मॉडिफिकेशन होते हैं। तो जब भी इंसेक्ट इनके पास में आता है ये लीव्स जो हैं बंद हो जाती हैं और कीट को, इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेती हैं जिस और इसके अंदर जो एंजाइम भरा हुआ होता है वो इनको डाइजेस्ट कर लेता है। इस तरीके के पिक्चर प्लांट होते हैं जिसमें लीव्स कुछ इस तरीके से मॉडिफाई होती है, नीचे पिक्चर और ऊपर की तरफ ढक्कन, यानी कि इस तरीके से है ना, एक छोटी लीव्स होती है। तो जब यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट आएगा तो ये जैसे ही बंद होता है वो इंसेक्ट फिसल कर नीचे चला जाता है। इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाता, यहाँ पर अंदर जो एंजाइम्स भरे हुए होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है वो है कंपटीशन, यानी कि स्पर्धा। कंपटीशन क्या है ये आप सभी अच्छे से जानते हैं। किसी एक ही चीज़ के लिए जब दो या दो से ज़्यादा जातियाँ, स्पीसीज जब फाइट करती हैं तो उसे हम कंपटीशन कहते हैं। ये ज़्यादातर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होता है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो सेम होती है, क्योंकि सेम रिसोर्सेज के लिए वो फाइट करती हैं और रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो इस फाइट में जो जीत जाता है उसे फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक स्पीसीज जो फिट है वो जीत जाती है, जैसे कि डार्विन का सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो यहाँ पर जो फिट होता है वो जीत जाता है, बाकी दूसरे हार जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दूसरी स्पीसीज जो कि कम संख्या में प्रेजेंट है वो कई बार सरवाइव नहीं कर पाती क्योंकि वो इस कंपटीशन में जीत नहीं पाती। इस तरह की जो इंटरेक्शन है उसमें दोनों ही स्पीसीज सफर करती है। ज्यादातर तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है, लेकिन कभी कभी अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन देखने को मिलता है,
जैसे हम देख सकते हैं शैलो साउथ अमेरिकन लेक्स जो है, यहाँ पर फिशेज और जो विजिटिंग फ्लेमिंगोज होते हैं दोनों ही सेम रिसोर्सेज के लिए यहाँ कह सकते हैं कॉमन फूड जो कि इनका जू प्लैंकटोन होता है उसके लिए कंपटीशन करते हैं। मतलब कि फिशेज तो वहाँ पहले से रह रही हैं जबकि जो फ्लेमिंगो हैं वो वहाँ विजिट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों अनरिलेटेड होने के बाद भी कॉमन फूड के लिए यहाँ पर कंपटीशन करते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की जो कि किंगडम प्लांटी के मेंबर हैं, जैसे ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए जो कि एक फॉरेस्ट में पाए जा रहे हैं, वो भी कम्पीट करते हैं। वो किस चीज़ के लिए कम्पीट करते हैं? प्रॉपर सनलाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वाटर के लिए और पॉलिनेशन और डिस्पर्शन के लिए जो बायोलॉजिकल एजेंट चाहिए होते हैं इनके लिए, क्योंकि ये इनके सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट है। तो सर्वाइवल के लिए ये भी जो हैं वहाँ पर अपने आसपास की जो प्लांट्स होते हैं उनसे कंपटीशन करते हैं। पॉपुलेशन जो है वो या तो डायरेक्टली कंपीट करती है और क्या करती है, दूसरी जो स्पीसीज है जिससे वो कंपीट कर रही है उसे एक्सटिंक्ट कर देती है, ठीक है, या फिर दूसरी को अपने अनुसार अडेप्ट कर लेती है, या तो दूसरी स्पीसीज नष्ट हो जाएगी या फिर अनुकूलित हो जाएगी। ये जो इंटरेक्शन है दो प्रकार की होती है, इंटरा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। इंटरा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो है ये दो इंडिविजुअल के बीच में होता है जो कि एक ही स्पीसीज के होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट कॉमन होती है, जबकि इंटर स्पेसिफिक जो कॉम्पिटिशन होता है ये दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में होता है जो कि एक ही हैबिटेट के अंदर रह रहे हैं। जनरली जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ये ज्यादा देखने को मिलता है जबकि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम देखने को मिलता है, क्योंकि सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट सेम होगी, इसीलिए जो है सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है। तीसरा जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन का टाइप है वो है पैरासिटिज्म यानी कि परजीविता। बहुत ही कॉमन टाइप है और हम सभी जो हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए आए हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा मोड ऑफ इंटरेक्शन है जो दो स्पीसीज के बीच में होता है। इसमें से एक स्पीसीज होती है पैरासाइट जो कि दूसरे पर डिपेंड रहती है, और जिस स्पीसीज पर पैरासाइट डिपेंड होता है वो होता है होस्ट, और होस्ट पर पैरासाइट अपने फूड और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ पैरासिटिज्म के अंदर जो पैरासाइट है वो होस्ट को डैमेज करता है, उसकी डेथ का कारण बनता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म तो बेनिफिट पा रहा है जिसे हम पैरासाइट कहेंगे, लेकिन दूसरा जो है वो हार्म हो रहा है जो कि उसका होस्ट है। तो पैरासाइट जो हैं वो या तो होस्ट के ऊपर फीड करते हैं, और कभी कभी जो इंटेस्टिनल पैरासाइट होते हैं वो होस्ट के फूड को भी कंज्यूम कर लेते हैं, उसके फूड के ऊपर जो हैं सर्वाइव करते हैं। पैरासाइट जो हैं वो होस्ट की डेथ का कारण होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो केस होते हैं उसमें वो होस्ट की डेथ नहीं करते, उसको वीक बना देते हैं। अब ये पैरासाइट जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट जिन्हें हम अविकल्पी परजीवी कहते हैं। ऐसे जो पैरासाइट होते हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सर्वाइवल का, उनके पास यही एक ऑप्शन होता है कि वो अपने होस्ट के ऊपर सर्वाइव करें। इनकी जो लाइफ होती है वो स्पेसिफिक होस्ट पर फूड और शेल्टर के लिए डिपेंडेंट होती है। अगर होस्ट नहीं होगा तो ये भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जैसे एल्ब्यूगो, पक्सीनिया आदि। दूसरे जो है फैकल्टेटिव पैरासाइट, ये जो है इनमें ये एक से ज्यादा होस्ट के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि इनके पास ऑप्शन होता है, एक होस्ट नहीं होगा तो दूसरे होस्ट पर ये सरवाइव कर लेंगे। तो ये जो है पहले तो सेप्रोफिटिक होते हैं यानी कि मृतोपजीवी होते हैं, डेड मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं अगर इनका होस्ट नहीं होता, और अगर इनके पास होस्ट अवेलेबल होता है तो ये होस्ट पर सर्वाइव करते हैं, जैसे टेफ्रीना, अस्थिलगो एंड अल्टरनेरिया। अब हम देख रहे हैं कुछ पैरासाइट की कैटेगरीज हैं जो कि डिपेंड करती है कि वो कहाँ पर पैरासाइट है, जैसे टोटल स्टेम पैरासाइट, जैसे कि कस्क्यूटा अमरबेला आपने देखी होगी, और कैसाइथा, ये जो हैं ये टोटल स्टेम पैरासाइट कहलाते हैं, और ये बेर, बबूल, खेजड़ी, शीशम के ऊपर जो है पैरासाइट के रूप में रहते हैं और अपनी होस्टूरिया से उसमें से फूड लेते हैं। ये पैरासाइट जो हैं इनमें लीव्स नहीं होती,
क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। कभी अगर आप रोड साइड पर जाओगे तो देखना, ध्यान से देखना, कस्क्यूटा तो आपको इतना मिल जाएगा ना कि आपको समझ में आ जाएगा। कुछ येलो कलर के धागे जैसी ना, थ्रेड जैसी जो संरचनाएं हैं वो पड़ी रहती है प्लांट के ऊपर, वो एक्चुअली कस्क्यूटा यानी कि अमर बेल होती है। इनमें खुद का फूड बनाने की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए ये जो है अपने होस्टोरिया के द्वारा जिस भी प्लांट के ऊपर पाई जाती है उससे फूड लेती है। पार्शियल स्टेम पैरासाइट जो हैं ये फ्लावरिंग पैरासाइट होते हैं, इनमें लीव्स पाई जाती हैं लेकिन ये सॉइल में रूटेड नहीं होते। इनके जो फ्रूट्स होते हैं वो बेरी फ्रूट्स होते हैं जो कि स्टिकी होते हैं, तो बर्ड्स जब इनको खाती हैं तो वो इनकी चोंच के ऊपर या जो है इनके पैरों के ऊपर चिपक जाते हैं, और जो बर्ड कहीं और जाती है फीड करने के लिए तो साथ में ये जो स्टिकी फ्रूट हैं वो वहाँ चले जाते हैं और दूसरे प्लांट पर पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन होती हैं फिर इनके होस्टोरिया जो हैं उन प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और ये बेसिकली जो होस्ट है उसके जाइलम टिश्यू को पेनिट्रेट करते हैं। एग्जाम्पल है लॉरेंथस लॉन्गीफेरस, ये मैंगो के ऊपर पैरासाइट होता है। विस्कम एल्बम जो है वो ओक ट्री के ऊपर पैरासाइट होता है, जबकि अर्क्यूटोथोबियम जो है वो जूनीपेरस के ऊपर पैरासाइट होता है। उसके बाद है टोटल रूट पैरासाइट, ये जो है कंप्लीटली होस्ट की रूट पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे स्ट्राइगा जो है वो ज्वार की रूट पर, रेफ्लीसिया जो है विटिस की रूट पर, ओरोबेंकी जो है वो सोलेनेसी पादपों की रूट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके बाद है पार्शियल रूट पैरासाइट, ये जो है सॉइल में रूटेड होते हैं यानी कि सॉइल में इनकी रूट होती है, बाद में जो है इनकी ब्रांचेस वो होस्ट के ऊपर चली जाती है, जो भी नियर बाई प्लांट है उन पे चली जाती है, वहां से न्यूट्रिशन लेती हैं। एग्जाम्पल है सेंटेलम एल्बम, राइनेंथस, टोजिया एंड यूफ्रेसिया, ये जो हैं ये पार्शियल रूट पैरासाइट आते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से ही बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटल रूट पैरासाइट और पार्शियल रूट पैरासाइट, तो ये जो है एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है वो है कॉमनेलिज्म, जिसे हम कहते हैं सहभोजिता। ये दो स्पीसीज के बीच की ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को तो फायदा मिलता है जबकि जो दूसरी स्पीसीज है उसे ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान होता है, यानी कि वो स्पीसीज जो है वो न्यूट्रल रहती है। इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ऑर्किड जो है वो एक एपिफाइट के रूप में ग्रो होती है, और ज्यादातर मैंगो ट्रीज के ऊपर आप ऑर्किड्स को देख सकते हैं, तो ये वहां से शेल्टर भी लेती है मैंगो ट्रीज से और वहां से न्यूट्रिशन भी लेती है, जबकि जो मैंगो ट्री है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो ऑर्किड के होने से उसको कोई फायदा होता है ना ही कोई नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद बैरेंकल्स जो हैं वो वेल मछली जो होती है उसके बैक के ऊपर होते हैं, ग्रो होते हैं, और जहाँ जहाँ वेल जाती है वहाँ वहाँ पर ये जाते हैं, मूव करते हैं, और वहाँ पर इनको वेल मछली के ऊपर शेल्टर मिल रहा है, जहाँ पर वेल जा रही है वहाँ से इनको फूड प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन जो वेल मछली है उसको कोई फायदा नहीं मिलता। देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है बेरेंकल्स जो कि एक वेल मछली के ऊपर उगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्रेट्स जो हैं वो हमेशा ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर फॉरेज होते हैं। क्यों? क्योंकि जब कैटल वहां ग्रेजिंग के लिए जाती है तो कैटल क्या करती है, कैटल एग्रेट्स जो होते हैं कैटल्स के ऊपर पाए जाते हैं। कैटल जब वहां से झाड़ियों को हिलाती है तो उसमें से जो इंसेक्ट्स उड़ते हैं तो उनको ये एग्रेट्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, फीड कर लेते हैं। कैटल को तो इनसे कोई नुकसान नहीं होता लेकिन एग्रेट्स जो हैं उनको फायदा होता है। सी एनिमोन आपने देखा होगा, सी एनिमोन जो हैं उनके अंदर स्टिंगिंग टेंटिकल्स होते हैं और ये क्लोन फिश के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिश जो है इनको प्रोटेक्शन, फिश जो है इनसे प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, और प्रेडेटर जो है ऐसी फिश को नहीं खा पाता जिसके ऊपर सी एनिमोन ग्रो किया हुआ होता है, और जहां जहां पर फिश जाती है सी एनिमोन भी उसके साथ साथ जाता है। फिश जो फूड खाती है, जो बच जाता है वो फूड सी एनिमोन को मिल जाता है। इस तरीके से दोनों ही यहाँ पर दोनों को फायदा होता है। एक तरीके से आप देख सकते हैं सी एनिमोन का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस तरीके से स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो हैं वो निकले हुए होते हैं जो कि फिश की
सुरक्षा करते हैं प्रीडेटर से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फिश के ऊपर लगा हुआ है सी एनिमोन, जो फिश की भी सुरक्षा कर रहा है और साथ ही साथ खुद भी जो है मूव हो रहा है और फूड प्राप्त कर रहा है। लास्ट इंटरेक्शन जो है वो है म्यूचुअलिज्म, जिसको कहते हैं सह परोपकारिता। म्यूचुअलिज्म जो है उसमें दोनों ही स्पीसीज जो है उनको फायदा होता है। ठीक है, ये एक ऐसी स्पीसीज जो है जो कि दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज को फायदा पहुंचाती है। ये एसोसिएशन जो है उसे हम सिम्बायसिस की तरह मान सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये सिम्बायसिस हो, क्योंकि ये फिजिकल एसोसिएशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यदि दोनों ही स्पीसीज जो हैं एक दूसरे पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होती हैं तो वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाती, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसे हम कहते हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, यानी कि अविकल्पी सह परोपकारिता। अब देखिए एग्जाम्पल देख रहे हैं म्यूचुअलिज्म के, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। हम सभी अच्छे से जानते हैं कि बीज, मॉथ्स, बटरफ्लाईज, सनबर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब जो हैं फ्लावर पे जाते हैं, उससे जो है नेक्टर लेते हैं अपने फूड के रूप में, और बदले में उनके पॉलन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ठीक, इसके लिए फ्लावर में क्या एडेप्टेशन होते हैं, फ्लावर जो हैं अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं, उनमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस होती है जिससे एनिमल्स और इंसेक्ट जो हैं इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं कि ये म्यूचुअलिज्म है, जिसमें जो प्लांट हैं उनका पॉलिनेशन हो रहा है और बदले में वो जो पॉलिनेटर्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे रेनन्कुलेसी, रूटेसी, रोजेसी, एस्क्लेपियडेसी, एपोसाइनेसी और एस्टोरेसी। जबकि कुछ फ्लावर ऐसे जो हैं जो कि स्पेसिफिक इंसेक्ट या एनिमल्स के द्वारा ही पॉलिनेट होते हैं, जैसे रेफ्लिशिया जो है ये फ्लैश लविंग फ्लाई के द्वारा पॉलिनेट होता है, फिक्स जो है वो ब्लास्टोफेगा क्लास के इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, और किग्लिया जो है वो बैट्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं। तो इस प्रकार के स्पेसिफिक पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है जो स्पेसिफिक पॉलिनेटर के द्वारा होता है। ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल है युक्का और मोथ। मोथ का जो नेम है वो है प्रोनुबा युक्का सेला। युक्का सेला जो नाम मिला है वो इसीलिए मिला है क्योंकि युक्का के साथ म्यूचुअलिज्म में पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो है अपने लाइफ साइकिल के लिए एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के बिना सर्वाइव भी नहीं कर पाते। मोथ क्या करता है, मोथ अपने एग्स को जो युक्का है उसकी लॉक्यूल्स जो होते हैं ओवरीज के उसके अंदर डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, और बदले में उसके पॉलन्स को ट्रांसफर करता है। लार्वी जो हैं वो वहीं पर डेवलप होते हैं, युक्का के फ्लावर के अंदर डेवलप होते हैं और उसकी ओवरीज को फीड कर लेते हैं अपने भोजन के रूप में, अपने फूड के रूप में कंज्यूम कर लेते हैं, और बाद में ये डोरमेंट कोकून के रूप में नीचे गिर जाते हैं। सारे के सारे ओवरीज को फीड नहीं करते, कुछ ओवरीज को फीड करते हैं, कुछ सीड फिर भी वहाँ रह जाते हैं, और जब ये इनकी लार्वल स्टेज पूरी हो जाती है तो डोरमेंट कोकून के रूप में वहाँ से गिर जाते हैं। तो ये एक प्रकार का ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म है, जिसमें जो मोथ है वो युक्का के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि वो युक्का के जो फ्लावर है उसकी ओवरीज के लॉक्यूल में ही जो है अपने एग्स को डिपोजिट करता है। इसके बाद है डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। सीड और फ्रूट के डिस्पर्सल के लिए भी एनिमल्स हेल्प करते हैं, हम सभी जानते हैं। बर्ड्स किस तरीके से हेल्प करते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे उनको खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, उनके सीड्स जो हैं बर्ड्स की चोंच पे चिपक जाते हैं, उनकी पंजों पर चिपक जाते हैं, फिर जब वो दूसरे प्लांट पर जाते हैं तो वहाँ पर जब वो अपनी चोंच को साफ करते हैं तो वो वहाँ पे गिर जाते हैं। एनिमल्स जिन फ्रूट्स को खाते हैं, कुछ फ्रूट्स जो वो कंज्यूम करते हैं उनके सीड्स जो हैं उनकी गट से होते हुए बाहर निकलते हैं, तो उनकी सीड की जो सीड को डॉर्मेंसी होती है उसको भी दूर कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें ये शो होता है कि एनिमल्स जो हैं वो फ्रूट और सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। बदले में अगर आप देखें तो ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें वो डिवाइसेस पाई जाती हैं जो जिससे कि वो उन एनिमल्स से चिपकते हैं ताकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके।
एनिमल्स जो हैं वो अपनी बॉडी पर भी कुछ सीड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, जैसे कैंकरस के सीड्स आप देख सकते हैं, मार्टिनिया के देख सकते हैं और जेंथियम के सीड्स देख सकते हैं। तो ये इसके अलावा लाइकेंस भी आप देख सकते हैं। लाइकेंस जो हैं इनमें फंगस और एल्गी का एसोसिएशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो फंगल पार्टनर है वो क्या करता है, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है और एल्गल पार्टनर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो फंगस एल्गी को प्रोवाइड कराता है, बदले में एल्गी फूड बनाकर उसे फंगस को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो यहाँ पर फंगस क्या करता है, मॉइस्चर और मिनरल्स को प्रोवाइड करवा रहा है, बदले में जो एल्गी है वो खुद के लिए और फंगस के लिए फूड की प्रिपरेशन करती है। ये देख सकते हैं इस तरीके की जो कंपोजिशन है वो एक लाइकेन में देखने को मिलती है। ये अपर कॉर्टेक्स और लोअर कॉर्टेक्स जो है वो फंगस का बना हुआ होता है। बीच का जो भाग है, यहाँ पर फोटोबैंड जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एल्गल लेयर होती है। तो जो फंगल लेयर होती है उसे हम माइकोबायंट कहते हैं और जो एल्गल लेयर होती है उसे हम फोटोबायंट कहते हैं। इसके अलावा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये भी म्यूचुअलिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरियम, जो कि कहाँ पाया जाता है, जो लेग्यूम्स होते हैं उनकी रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। बैक्टीरिया प्लांट से फूड लेता है, बदले में सॉइल की जो नाइट्रोजन है उसे नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में तोड़ता है, जिसे कि लेग्यूम प्लांट कंज्यूम करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। इसी तरीके के रूट नोड्यूल्स जो हैं वो एल्नस, कैजुराइना, मिरीका, पाइनस, ओरोकेरिया और पोडोकार्पस में भी देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सर्स जो हैं वो हैं एनाबिना, साइकेडेसीरियम, नॉस्टॉक, पंक्टिफॉर्मी, ये जो हैं साइकस की कोरोलॉइड रूट में पाए जाते हैं। एनाबिना अजोली जो है, जो वाटर फर्न होती है एजोला, उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन फिक्सर्स जो हैं एनवायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको सिंपल फॉर्म के अंदर तोड़ देते हैं, जिसका प्लांट यूज करते हैं। इसके बाद है माइकोराइजल एसोसिएशन, जिसे हम कवक मूल कहते हैं। देखिए लाइकेन और माइकोराइजा पर डिटेल लेक्चर भी है चैनल पर, आप चाहें तो अगर इसकी डिटेल देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो माइकोराइजल एसोसिएशन जो है ये हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच में होता है। फंजाई जो है इनके अंदर क्या होते हैं, माइकोराइजा जो इनके अंदर पाए जाते हैं, माइसीलियम जो होते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से फैले हुए होते हैं। जिन प्लांट्स की रूट्स कमजोर होती हैं तो उनकी रूट की तरह ये काम करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। वाटर, मिनरल और नाइट्रोजन को ये सॉइल से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ताकि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर सके। ये हायर प्लांट्स की रूट्स में पाए जाते हैं और बदले में प्लांट जो है इन्हें विटामिन और कार्बोहाइड्रेट देता है, जो फंजाई के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। यहाँ पे ये दो पिक्चर्स हैं, पहली जो पिक्चर है वो माइकोराइजा के साथ है और दूसरी जो पिक्चर है वो माइकोराइजा के बिना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्लांट माइकोराइजा के साथ है उसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, जबकि जिसमें माइकोराइजा नहीं है उसकी ग्रोथ कम है, क्योंकि जिन प्लांट्स की रूट्स कमजोर है। तो यहाँ पर रूट्स की तरह जो हैं इनके माइसीलियम काम करते हैं, इसीलिए जो है इनको हम माइकोराइजा या हिंदी में कवक मूल कहते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो म्यूचुअलिज्म है वो है जू क्लोरिली या जू जैंथेली। कुछ यूनिसेलुलर प्लांट्स जैसे कि एल्गी जो हैं, जिन्हें कि हम जू क्लोरिली कहते हैं, ये कुछ स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स और मॉलस्क और वॉर्म के आउटर टिश्यूज में रहते हुए सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और कुछ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को फॉर्म करती हैं, जो कि होस्ट के लिए होस्ट के लिए बेनिफिशियरी होते हैं। इसके बदले में ये होस्ट जो एनिमल्स हैं उनके मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है। यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गा जैसे क्लोरेला वल्गैरिस जो है वो गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो होती हैं हाइड्रा की, उसके अंदर सर्वाइव करती हैं। हाइड्रा इसको शेल्टर दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, बदले में एल्गी जो है इसको फूड एंड ऑक्सीजन दोनों ही प्रोवाइड करवाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि एक पॉपुलेशन में किस तरह की इंटरेक्शन होती हैं, जो आपस में दोनों उनके लिए बेनिफिशियरी भी होती है, हार्मफुल भी होती हैं। जो इंटरेक्शन बेनिफिशियल होती हैं
वो पॉजिटिव इंटरेक्शन होती हैं और जो हार्मफुल होती हैं वो नेगेटिव इंटरेक्शन होती है। बहुत सारी और भी इंटरेक्शन हैं लेकिन जो मेन इंटरेक्शन थी उन्हें हमने आज देख लिया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।